नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। पीएम मोदी ने जनता के हित में काम करते हुए कई योजनाओं की शुरुआत की, वहीं विदेशों से भी बेहतर संबंध स्थापित किए। 20 नवंबर को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना में थे, वहीं दूसरी तरफ नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला अल शेही के मुताबिक UAE जल्द ही एक ऐसी ट्रेन बनाने पर विचार कर रहा है जिससे मुंबई से UAE तक चंद घंटों में ही पहुंचा जा सकेगा। ट्रेन सड़क पर नहीं बल्कि पानी पर चलेगी। अल शेही ने बताया कि इस फ्लोटिंग अंडर वाटर नेटवर्क से UAE और भारत को कई मायनों में फायदा होगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। फुजेरा बंदरगाह से तेल और उत्तरी मुंबई की नर्मदा नदी से पानी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट के पास होने के लिए कई पहलुओं से गुजरना होगा। पूरा रेल नेटवर्क करीब 2000 किलोमीटर का होगा। बता दें कि सिर्फ UAE ही नहीं बल्कि चाइना भी रूस, कनाडा और अमेरिका से जुड़ने के लिए इस तरह के अंडर वाटर नेटवर्क की तैयारी कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद को भी अंडर वाटर ट्रेन से जोड़ने की योजना पर काम होगा। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।